नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग श्री तुलसीदास सिख सेवा न्यास जगतगुरु रामभद्राचार्य स्वामी भद्राचार्य जी की महाराज की यह पीठ है, इसको हम दिखाते हैं। और हम आए हुए हैं चित्रकूट में, तो यह भी एक आप रामभद्राचार्य जी को आप जानते ही हैं, उनका न्यास है। आइए हम लोग दिखाते हैं, हम दिखाते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। तो यह आप देख रहे हैं राम भद्राचार्य जी महाराज, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने विकलांगों का विश्वविद्यालय भी खोला है। ऐसे महान संत शिरोमणि का यह न्यास है, और जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ राम भद्राचार्य जी का यह न्यास है, चित्रकूट में है। जब भी आइए तो एक बार आ सकते हैं, देख सकते हैं। उनका आश्रम है संस्थापक श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, तुलसी पीठ सेवा न्यास। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र मानस मंदिर, इन्होंने मंदिर भी बनवाया हुआ है न्यास में, यह आप लोग देख सकते हैं। और दिव्यांग लोगों का एक अलग विश्वविद्यालय जो राम भद्राचार्य जी ने बनवाया है, इसके लिए काफ़ी प्रशंसनीय है ये कार्य उनका। तो यह देख सकते हैं तुलसी पीठा सेवा न्यास। यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, मरम्मत का कार्य यहाँ पर देख सकते हैं। यह आप लोग देख रहे हैं तुलसी पीठ सेवा न्यास। तो आइए दर्शन करते हैं, देखते हैं इसमें मंदिर खुलने और बंद होने का समय भी आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही मनोरम, सुंदर, अति सुंदर, जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और यह उनका न्यास है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है, कितनी साज सज्जा किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। महाराज जी यहीं से टीवी पर लाइव आते हैं राम भद्राचार्य जी, और देख सकते हैं यहाँ पूरा का कैमरा लगा हुआ है, और आते हैं राम भद्राचार्य जी वहाँ बैठते हैं और भोर में आते हैं, थोड़ी देर में आएंगे राम भद्राचार्य जी महाराज। तो वो वहीं पर आसन लगाते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उनका दरबार, भगवान का दरबार, सीता जी, सीता मैया, राम जी और लक्ष्मण भैया, ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही साज सज्जा किया गया है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। महाराज जी को अगर आप लोग नहीं पहचानते हैं तो पहचान लीजिए, राम भद्राचार्य जी महाराज यही हैं जो टीवी पर अक्सर आते हैं, जिन्होंने माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री होने की भविष्यवाणी तक की थी। तो यह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज। तो यह आप लोग देख सकते हैं महाराज जी का आसन यहाँ है, श्री तुलसीदास साय नमो नमः। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का यहाँ एक मूर्ति बना हुआ है। भगवान के जो दो द्वारपाल हैं उनका भी चित्र है। यहाँ हनुमान जी महाराज भी हैं। एक एक मूर्ति हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं जो भगवान राम से संबंधित है, एक एक चित्र। ये गीतांजलि अतिथि भवन है, और जो भी इस न्यास में जो भी अतिथि आते हैं ठहरते हैं, ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था है। देखिए माँ मंदाकिनी जाने का रास्ता भी यहाँ पर है, तो मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी नदी जाने का यहाँ पर बहुत ही सदी के सुनहरा, बहुत ही बढ़िया यहाँ रास्ता हुआ है। तो कभी भी आइए चित्रकूट में घूमने आइए। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, वाह
बहुत ही अच्छा विहंगम दृश्य नजर आ रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं आप लोग कितना विहंगम दृश्य। प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है, प्रकृति की अतुलित सुंदरता यहाँ वास कर रही है। पानी की गहराई ज़्यादा नहीं है लेकिन वेग ज़्यादा है, यह आप जान लें। पेड़ जल्दी गिरेगा कटाव से। हाँ तो कटाव से गिरेगा ही। अभी हम लोग वहाँ नीचे भी चलेंगे और माँ मंदाकिनी के पावन जल को स्पर्श करेंगे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं मंदाकिनी, यह आप देखिए रास्ता है। महाराज जी ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है न्यास, इस न्यास को कभी भी आइए तो आप ज़रूर आ सकते हैं। चित्रकूट में जानकी कुंड के पास ही है यह न्यास, आप आइए तो आ सकते हैं। देखिए करीब से देख सकते हैं, प्रकृति की सुंदरता को आप फील कर सकते हैं।